वेलकम टू माय चैनल गुरु क्लासेस गाइस। इस वीडियो में हम आपको समीकरण हल करने के बारे में बताएंगे। ये समीकरण है 3x + 70 = 2x + 10 + 3x + 15। इसमें हम चर को बाई तरफ करेंगे और अचर को दाई तरफ कर देंगे। बराबर के बाई तरफ या दाई तरफ ले जाने पर अंकों के चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम बाई तरफ चर को रखेंगे और दाएं तरफ अचर को रखेंगे। 3x है यहाँ, 3x यहाँ से 2x बाएं तरफ दाएं तरफ लाएंगे, जब बाएं तरफ प्लस 2x है क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3x है इधर आएगा तो माइनस 3x बराबर इधर 10 है वैसे लिखेंगे, प्लस 15 है यहाँ, प्लस 70 है इसको दाएं साइड लाएंगे तो माइनस 70 हो जाएगा। अब यहाँ हम 3x समान चिन्ह जुड़ते हैं, 3 × 2 = 5x -5x बराबर यहाँ 15 और 10 समान चिन्ह जुड़ते हैं 25 -70 5 में से हम 3 निकालेंगे प्लस -5 में x में से प्लस 3x तो आएगा -2x -2x बराबर 70 में से हम 25 निकालेंगे तो 10 में से 5 गया 5 यहाँ 6 में से 2 गया 4 -45 आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ x बराबर हो जाएगा 45/2 ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन हम लगाएंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड है 7x/2 + 10 = 2x/5 + 3। इसमें भी हम चर को बाई तरफ करेंगे और अचर को दाहिनी तरफ कर देंगे। यहाँ 7x/2 है, 10 + 2x/5 हम दाएं तरफ बाई तरफ लेके आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2x/5 = 3 + 10 है इधर आ जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब इसमें हम इसका हर बराबर करेंगे, तिरछा गुणा करा के या क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कहते हैं, 5 × 7 = 35 यहाँ 35x हो जाएगा, 2 × 2 = 4 -4x/2 = 10 बराबर यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो -7 आएगा। अब हम यहाँ 35x में से 4x निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 31x/10 बराबर -7 तिरछा गुणा कराएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम 31x से 1 में कराएंगे, 31x बराबर 10 × 70 -70 यहाँ पर x रोकेंगे तो x बराबर हो जाएगा -70/31 ये हमारा आंसर होगा। यदि यह वीडियो आप लोग पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल गुरु क्लासेस को लाइक कमेंट और शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें जिससे कि नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।